गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब बच्चे? हाउ आर यू? एक्चुअली देयर हैड बीन अ टेक्निकल प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम वाज देयर, दैट्स व्हाई क्लास हैज बीन लेट, बट इट्स ऑल राइट गाइज। अब हम अपने वर्क को शुरू कर सकते हैं। जी बच्चों, हीना, आरती, अनुरुद्ध, वेरी गुड इवनिंग। स्टेट ऑफ डेनमार्क, बिल्कुल सही है। सभी बच्चे क्लास में अपना ज्वाइन कर लें। क्लास बच्चों आपकी शुरू हो चुकी है। हम अपने PYQs को लेके जा रहे हैं, सीरीज 6 हमारी। तो आज का बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपका जा रहा है, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। आपको ध्यान में देना है, यहाँ पे देखना है, चेक करना है पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन। बच्चों आप क्या बनाएंगे? तो जी, पर्सोनिफिकेशन बच्चों अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द पर्सोनिफिकेशन? एवरीबडी नीड टू आंसर। तो हम अगर बच्चों देखें, जी नीलम गुड इवनिंग, जूली, रीना, संध्या वेरी गुड इवनिंग बच्चों। सी आंसर, बहुत अच्छे। देखो आपने करेक्ट कर दिया है आंसर को, सी आंसर बनेगा। यानी कि गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट का मीन्स है नॉन लिविंग, तो लिविंग वाले एट्रीब्यूट्स नॉन लिविंग को देना, यही हमारा क्या है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। नीलम, संध्या, सोना, चांदनी गुड, राजेश वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच बाय मींस ऑफ व्हिच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ होल इज कॉल्ड। मतलब बच्चों हम एक पार्ट से किसको बताते हैं? मेड टू स्टैंड फॉर अ होल। पार्ट से होल को बताते हैं और होल से पार्ट को बताते हैं, यही हमें करना है। होल से बच्चों पार्ट को बताते हैं, कौन सा है? ए आंसर, सिनेक डक कह रहे हैं। ओके वेरी गुड बच्चों, करेक्ट आंसर है ये, सिनेक डक है। और मैं आपको बता दूं, सिनेक डक का सबसे भयंकर यूज करने वाले हमारे कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डन और नॉट डन? तो ये क्वेश्चन बनता भी है कि हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन राइटर यूजेस द सिनेक डक टू मच, तो इट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट बच्चों? जी प्रीति, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट करेक्ट। केटल इज बॉइलिंग, हाँ केटल इज बॉइलिंग तो डिफरेंट हो गया ये अंकिता हमारा बन गया मेटोनिमी, वो तो मेटोनिमी होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 3, आई बेबल ऑन द पेबल्स। आई बेबल ऑन द पेबल्स। देखो जब आप पेबल्स, आपने देखा ना बेबल ऑन द पेबल्स, पेबल्स होती है कंकड़ पत्थर, जब आप उन पे चलते हैं तो जो आवाज साउंड होती है वो बच्चों कहलाती है बेबल। आई बेबल ऑन द पेबल्स, आई मर्मर अंडर द मून एंड स्टार्स, द लाइन कंटेन्स द एग्जाम्पल्स ऑफ। किसके हैं बच्चों बताइए? ए, वेरी गुड, सभी बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत अच्छे। ये बच्चों ओनोमेटोपोइया है। ओनोमेटोपोइया इफ यू सी हियर साउंड गिव्स, यहाँ पे बच्चों क्या होता है? साउंड गिव्स द साइन ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वो बताती है। जैसे मैं कहूं आपसे हिस, तो हिस से आपको बच्चों किसका पता चलता है? इस आवाज से किसका? कि वहां स्नेक है। तो जहां भी हम ऐसी साउंड देखेंगे ओनोमेटोपोइया, फिगर ऑफ स्पीच वहां पे होगा। बिल्कुल सही है, गुड बच्चों, वेरी गुड। चांदनी, हीना, सोना, एकता, सीमा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच इन, देखो कितना अच्छा है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। बताओ जरा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा? हाँ जी, लायन रोर, बिल्कुल ठीक है सीमा। तो सेंटेंस है बच्चों, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। जी अनुरुद्ध बताइए, ए आंसर कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे। निशी ए, ओके। हीना बी, मेटाफर ठीक है, ठीक है, बताइए बच्चों। सिमली, सिमली भी कह रहे हैं कुछ बच्चे, ओके ओके। एज और लाइक तो इसमें है ही नहीं, सिमली कैसे होगा? प्रीति सी का है, एलिगरी, ओके ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, अच्छा पहले ये बताओ ये लाइन आती कहाँ पे है? ये लाइन कहाँ पे है, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। वेयर डू यू फाइंड दिस पर्टिकुलर लाइन? ये बच्चों किसी की सोनेट में है, हाँ जी किसी की सोनेट में है। और सोनेट बच्चों कौन सी है? जहां तक मुझे लगता है 19 सोनेट है, सोनेट नंबर 19, हाँ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बिल्कुल सही है अनुरोध। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये लास्ट लाइन है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मतलब ये यहां से टर्न होता है, ये बच्चों टर्न होता है यहां से। यानी कि 8 + 6 का जो है ये आपकी 9th लाइन है, ये 9th लाइन है, समझ गए आप लोग? हाँ बिल्कुल सही है मिल्टन की। तो यहां पे देखो, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, तो मर्मर या पेशेंस इन्हीं के लिए लिखा है। सून रिप्लाई, रिप्लाई कौन कर रहा है? पेशेंस, जो कि नॉन लिविंग है। तो बच्चों क्या बन गया है? पर्सोनिफिकेशन, अगेन डी बन गया है, बहुत अच्छे। कई बच्चों ने जवाब भी दे दिया है, वेरी गुड बच्चों। हाँ, गुड डज नॉट नीड अदर मेंस वर्क, हाँ हाँ करेक्ट बात है, बहुत अच्छे सब लोग। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आता है नंबर 5, अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन्स डाइवर्जेंस फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट सब बच्चे जानते हैं 8+6 वाली वही है ना, जो अभी आपने देखी। ट्रेडिशन कंसर्न्स नोट एन एम्प्लॉयड और द केजनल नेचर ऑफ इट्स सोनेट्स बट ऑल्सो, और क्या होता है इसमें, मतलब एक तो है यहाँ पे कंसर्न्स नोट ऑन एम्प्लॉयड और द केजनल नेचर ऑफ इट्स सोनेट्स, उनकी सोनेट की नेचर ही ऐसी है। और बच्चों इसमें सी आंसर जाएगा, द रिजेक्शन ऑफ द आइडलिक लव पोएट्री ट्रेडिशंस ऑफ द एलिजाबेथन। एक्चुअली एलिजाबेथन की जो लव पोएट्री थी उसको उन्होंने क्या कर दिया था, पूरी तरह से डिनाई कर दिया था, है ना, उनको डिनाई कर दिया था क्योंकि उनकी क्या थी, इंग्लिश सोनेट्स। उनकी क्या थी बच्चों, इंग्लिश सोनेट्स। और इनकी कैसी थी, इनकी थी मिल्टोनिक सोनेट, यानी कि जिसको हम कहेंगे पेट्रार्कन सोनेट। डन बच्चों, हाँ जी, तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, सी जाएगा। क्वेश्चन को आप और बढ़िया से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आता है स्ट्रेंज साइट्स इनविजिबल टू सी फ्रॉम डन्स। डन का मतलब है यहाँ पे जॉन डन। गो एंड कैच, ये क्या है बच्चों, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए बच्चों जरा क्या बनेगा, ये किसका है, ऑनोमेटोपोइया, यूफेमिज्म, पैराडॉक्स या फिर फोरशैडोइंग। ओके ओके, 6 का 2 सपना ने 2 आंसर दिया है, बहुत अच्छे सपना, वेरी गुड। देखो देखो ध्यान से देखो बच्चों, स्ट्रेंज साइट्स हुई इनविजिबल टू सी, यानी कि ऐसी चीज जो इनविजिबल है, टू सी ये आपस में अपोजिट हो रहे हैं कि नहीं, साइड्स का मित्र स्ट्रेंज आपस में अपोजिट हो रहे हैं। और जब बच्चों इस तरह से कोई चीज अपोजिट होती है, यानी कि गो एंड कैच द फॉलोइंग स्टार का मतलब है यहाँ पे पैराडॉक्स बन रहा है, ये पैराडॉक्स है बेसिकली। यानी कि पैराडॉक्स बेसिकली होता है एक सेंटेंस जिसे समझने के लिए हमें विट लगानी होती है, हमें ध्यान से लगाना होता है, तब उसका मीनिंग निकल पाता है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स की कंडीशन बनेगी, सी बनेगा। बहुत अच्छे, मैक्सिमम बच्चों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छे करेक्ट। तो इसको समझ लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये कैसा है, जैसे हमारा ऑक्सीमोरन होता है या फिर एंटीथेसिस होता है, इसी को हम पैराडॉक्स में रखते हैं, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ सोनेट। देखो बच्चों सोनेट को इन्वेंट किया था, अगर मैं कहूं आपको यूके में लाने का किसको जाता है, वॉट एंड सरे, WITT, वॉट एंड सरे, याद आ रहा है आपको। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन्वेंशन के लिए पूछ रहा है, सोनेट का इन्वेंशन कहाँ से होता है, गियाकोमो डेलेटिनी, एम्परर फ्रेडरिक, देन टेलीगरी या फिर एम्परर सेकंड। ओके ओके, हाँ दिव्या, रीना बहुत अच्छे, करेक्ट बात है, हाँ ये आंसर जाएगा गियाकोमो डेलेटिनी। समझ में आ रहा है, गियाकोमो डेलेटिनी वाज द पर्सन हु इट्स सपोज टू बी इन्वेंटिंग द सोनेट। लेकिन अगर यूके में हम कहें किसने, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, व्हाट एंड सरे, राइट बच्चों, तब आंसर हमारा ये बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ड्सवर्थ द बोर्डर्स। बच्चों ध्यान से देखो, द बोर्डर्स वर्ड्सवर्थ का लिखा गया ओनली प्ले था, मतलब उन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा, ही वॉज नॉट ए ड्रामेटिस्ट, ही वॉज अ पोएट। लेकिन एक प्ले उन्होंने लिखा था जिसका नाम है द बॉर्डर्स इज अ वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन के ड्यूरिंग में मतलब सेट की गई थी। और मैं आपको बता दूं ये बच्चों एक पोएटिक प्ले है, ये क्या है, एक पोएटिक प्ले का मतलब इट वाज नॉट रिटन टू बी प्लेड ऑन द स्टेज, स्टेज के लिए नहीं था बल्कि ये पढ़ने के लिए था सिर्फ। यूपी एडेड जूनियर वाला एग्जाम के लिए भी, हाँ नीलम इसको करते रहो बेटा, ये पूरा हेल्प करेगा आपको वहां पे, डोंट वरी एट ऑल। यूपी में क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, इसको आप करते रहें। एग्जैक्टली बच्चों ये डी है, किंग हेनरी 8। सो किंग हेनरी 8 को आप कहां पे देखते हैं, बॉर्डर्स इन्हीं के टाइम में लिखा गया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर पे, विच रिवर फिगर्स इन द टिंटर्न एबे। बच्चों टिंटर्न एबे बेसिकली एक जबरदस्त ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ की, है ना, याद आ रही है सब बच्चों को। तो इसमें बताओ कौन सी रिवर, राई, ओरेंट, आउस या फिर वाई, किसको बनाएंगे आप जी, आंसर कीजिए। ओके 9 का ए आंसर बच्चों ने दिया है, वेरी गुड, तो बिल्कुल सही है बच्चों, वाई रिवर है, वाई रिवर के पास ही वो इसको लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ इमोर्टेलिटी ओड कंटेन्स स्टेंजाज, बताओ कितने स्टेंजाज हैं इमोर्टेलिटी ओड में, है ना, इमोर्टेलिटी ओड में बच्चों आपको स्टेंजाज बताने हैं, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर। करेक्ट कर रहे हैं सभी बच्चे, क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके, आप सही कर रहे हैं। 10 का सी आंसर बिल्कुल सही है संध्या, वेरी गुड हीना, गुड। अनिरुद्ध 10 का सी जाएगा। देखो बच्चों ये सी है आंसर। 11 स्टेंजाज हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। समझ में आ रही है बात? ये कितने हैं? 11 स्टेंजाज वहां पे आपको मिलेंगे। डन एवरीवन? हाँ जी बच्चों बहुत अच्छे। ये 11 स्टेंजाज हमारे बनते हैं यहां पे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल, ये ऑफ है बच्चों। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड, क्या हम उसे बनाएंगे? वेदर इट इज ओड इंटिमेशंस इमॉर्टैलिटी, या बच्चों टिंटन एबे है, या डेफोडिल्स है, या ओड टू ड्यूटी। हाँ जी बताइए। संध्या ने 11 का ए आंसर दे दिया। ओके ओके बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक है अनुरोध, अनम, ओके बच्चों, ओके 11 बच्चों। अगर इसका आंसर देखेंगे ए बनेगा, ओड टू इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, है ना, तो आंसर ए जाएगा। मजेदार बात यह है बच्चों ये कंपोज कब की गई थी? 1804 में। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन भी यूपी में काफी आ जाता है। दिस वॉज रिटन इन कंपोज इन 1804, जबकि इसको प्रकाशित कब किया गया था? वेन वॉज पब्लिश इन 1807, राइट। इनकी जो वॉल्यूम थी उस वॉल्यूम में 1807 में इसको पब्लिश किया गया था। जी बच्चों गुड इवनिंग एक्सप्लोर, वेरी गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं राइम रॉयल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राइम रॉयल इज यूज्ड इन द रीपर, फेरी क्वीन, या बच्चों कैंटरबरी टेल्स, या वर्ल्ड इज टू मच विद अस। बताइए किस में हम यूज करते हैं? जी बच्चों, जी पिंकी गुड इवनिंग, बहुत अच्छे। 12 का 2 सपना ने कहा है। ओके ओके ओके। देखो बच्चों फेरी क्वीन है स्पेंसर की, सब बच्चे देखेंगे स्पेंसर की, और इन्होंने इसमें बनाया है स्पेंसेरियन स्टेंजा। कौन सा बनाया है? स्पेंसेरियन स्टेंजा, जिसमें टोटल कितनी लाइन होती है? बताइए। 9 लाइन का होता है। रीपर को छोड़ दो, टू मच को, ये सब ब्लैंक वर्स में है। जबकि कैंटरबरी टेल्स अगर आप देखेंगे दैट वाज रिटन बाय चौसर, इसमें उन्होंने यूज किया है क्या? राइम रॉयल, जो कि कितना है? 7 लाइन स्टेंजा। ये बच्चों क्या है? 7 लाइन स्टेंजा। करेक्ट बात है कि नहीं? तो 7 लाइन का स्टेंजा हमारा क्या कहलाता है? राइम रॉयल। और मजेदार बात यह है कि राइम रॉयल को सबसे पहले जो यूज किया था चौसर ने, किसमें किया था? किसमें किया था? ट्रॉयलस एंड क्रिसीडी, याद आ रहा है आपको? क्रिसीडी। तो ट्रॉयलस एंड क्रिसीडी, इसी को फिर शेक्सपियर ने कॉपी किया था और ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा लिखा था। तो ट्रॉयलस एंड क्रिसीडी बेसिकली एक पोएम है जो किसने लिखी थी? चौसर ने। इसी में सबसे पहले राइम रॉयल को बनाया था, राइट बच्चों। और ये इन्वेंटर भी इसके हैं। अगर मैं कहूं कि हु फाउंडेड द राइम रॉयल, तो इट वो चौसर। चौसर ने राइम रॉयल को दिया था 7 लाइन स्टेंजा, राइट बच्चों। हाँ जी बिल्कुल ठीक है निशी। Who first used the phrase stream consciousness, stream of consciousness है बच्चों। तो who used the term stream of consciousness at the very first time, बताइए किसमें? और बुक थी उनकी बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। 13 का डी, अरे वाह, ध्यान से देखो, ध्यान से अनिरुद्ध, बहुत जल्दी कर गए हो। जूली ने बी कहा है, ओके गुड जूली। बाकी बच्चे बताएं, बी आंसर जा रहा है। सपना, रीना, निशी, बहुत अच्छे बच्चों ने तैयारी की है, मुझे अच्छा लग रहा है, वेरी गुड जी। चांदनी इसको देखेंगे बेटा, बी बनेगा। विलियम जेम्स, हाँ जी रीना, करेक्ट बच्चों, इट इज विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने यूज किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को। बाकी मैं आपको बता दूं टीएस इलियट हो गए, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, या बच्चों विलियम जेम्स, ये सभी लोग कौन है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंडर में लिखने वाले, है ना। करेक्ट बात है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ो। Which one of the following works of Wordsworth is known for his theory of poetic diction? ये बहुत ध्यान से देखना है कहां पे वो बच्चों poetic diction को लगाते हैं। poetic diction मैं बता दूं, क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये कुछ और नहीं है, ये बस होता है कि आपने कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए हैं, कौन सा वहां सिंटेक्स यूज किया है ना, क्या टर्म्स का वहां पे मीन्स है, ये सब आता है उसमें। इसका मतलब टोटल मैं बता दूं तो सिंटेक्स है बच्चों, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन को समझाता है वहां पे। तो ये पोएटिक डिक्शन होता है। डी बिल्कुल सही है बच्चों। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1798 में लिखी गई थी, 2 साल बाद का मतलब 1800 में प्रीफेस जोड़ा गया बच्चों इसमें, है ना। और 1802 में प्रीफेस के साथ में क्या जोड़ दिया गया? प्रीफेस प्लस पोएटिक डिक्शन। तो देखो दो दो साल के अंतर पे किया था, ये सब बच्चों को ध्यान रखना है ना बच्चों, करेक्ट बात है। हाँ 1802। अगले क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म कैकोफोनी मींस। कैकोफोनी का बच्चों मींस क्या होता है बताइए, व्हाट डू वी मीन बाय कैकोफोनी। ये आपने पीछे पढ़ा भी था। हाँ जी बिल्कुल ठीक है करते जाओ बच्चों। सी हार्श एंड डस्ट, बहुत अच्छे, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम देखें आंसर इसका डी जाएगा रीना, बहुत अच्छे करेक्ट बात। मैं आपको बता दूं जरा ध्यान से देखो, कैकोफोनी अगर आप देखना चाहो तो कहां देख सकते हो, मैथ्यू आर्नोल्ड का एक वर्क है डोवर बीच। कौन सा है बच्चों, डोवर बीच। वहां पे उन्होंने लाइंस लिखी हैं कि गिरडल्ड गिरडल्ड फर्ल्ड, है ना इस तरह से, मतलब ये वर्ड दो वर्ड मुझे याद आ रहे हैं लाइन में है ये, तो कैसे लिखा है गिरडल्ड फर्ल्ड। तो जब आप इन्हें पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं, जैसे आपने सुना है ना एक बच्चों को कह देते हैं कि चलो बच्चों बोल के दिखाओ कि कमर के ऊपर मतलब क्या क्या बोलते हैं, ऊंट के ऊपर जीरा जीरे के ऊपर ऊंट, ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना वो, और उसमें बच्चा फंस जाता है, फट से गड़बड़ हो जाती है टंग में। तो ये कुछ और नहीं है, ये यही है, ये कैकोफोनी होती है। मतलब वर्ड्स में जो होता है क्या होता है, वहां पे प्लेजेंट एंड म्यूजिकल नहीं होती बल्कि हार्श एंड रफ होती है। इग्नोरेंस आर्मीज आर क्लोज बाय द नाइट, एग्जैक्टली ये भी कह सकते हैं, करेक्ट है अनुरोध। तो समझ में आ गया बच्चों को। अगला देखते हैं, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट मेक्स इट सो। तो बच्चों बताओ ये क्या बनेगा यहाँ पे, टेलिंग, सेइंग, इमेजिंग या थिंकिंग। ये पर्टिकुलर कोटेशन है हेमलेट से, जो किसने लिखा था, शेक्सपियर ने, सब बच्चे जानते हैं। तो आपको बच्चों सिर्फ इतना बताना है। हाँ 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 गुड, अनम ने डी कहा है, ऑल राइट वेरी गुड। ऊंट के मुंह में जीरा, हाँ कुछ और है वो हिना, ऊंट के ऊपर मैं के ऊपर और कुछ ऐसा है समथिंग करके, मतलब बच्चे फंस जाते हैं उसमें। जी बिल्कुल सही है बच्चों, थिंकिंग मेक्स इट सो। और ये लाइन बोलता भी कौन है, मैं आपको बता देता हूं, ये लाइन बोलने वाला कोई और नहीं है, हेमलेट खुद है। एक्ट सेकंड में सीन सेकंड में, एक्ट सेकंड सीन सेकंड, कुछ इस तरह से है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड में कौन बोलता है, हेमलेट इस चीज को। सो देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हमारी थिंकिंग उसे ऐसा बनाती है। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स इन कोलैबोरेशन विद, ये सब बच्चों को पता है, आंसर करेंगे फिर भी, लॉर्ड बायरन के, एस.टी. कॉलरिज या जॉन कीट्स या बच्चों पीबी शैली, किसके कोलैबोरेशन में इन्होंने बनाया था। बी आंसर बहुत अच्छे, एस.टी. कॉलरिज। और बच्चों 1798 की बात है, जिसमें मैं बता दूं वर्ड्सवर्थ की पोएम थी, ये टोटल थी 23 में 19 वर्ड्सवर्थ की थी और बच्चों कॉलरिज की थी 4। इन 4 में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, है ना। तो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ये इसी में आती है क्योंकि ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, करेक्ट बच्चों बहुत अच्छे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें फिर लंबा क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब एक बात मैं और बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों लंबे वाले जितने भी होते हैं, लंबे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन जिन्हें देख के हम डर जाते हैं, वो सबसे आसान होते हैं, वो सबसे आसान होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने में टाइम लगता है, बस इतना होता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड हो आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हो। जैसे क्या लिखा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम रिलेटेड टू रोमांटिक इमेजिनेशन एज एम्बॉडीड इन टिंटर्न एबे, मतलब कौन सी इनमें से एक नहीं है, ये कह रहा है। देखो क्या कहता है, द सेंट्रलिटी ऑफ सब्जेक्टिव इमेजिनेटिव प्रोसेस, बिल्कुल सही है। अगले देखिए, सेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द डिवाइन थ्रू क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही है। सर्च ऑफ मीनिंग इन लाइफ थ्रू एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्री, बिल्कुल। लेकिन बच्चों एक में कहते द ऑल्केमी, ऑल्केमी का मींस क्या होता है, डॉक्टर से, ऑल्केमी ऑफ द माइंड इज बाउंड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्डली परसेप्शंस इनटू न्यू पोएटिक, ये उसमें नहीं आता है, सो इट इज नॉट वन ऑफ देम। हाँ जी बिल्कुल बच्चों, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो बी वाला आपको गलत लग जाएगा। ऑल्केमी ऑफ द माइंड, ये कहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्डली परसेप्शन को, वहां पे वर्ल्डली परसेप्शन की वो बात ही नहीं करता है, वो सीधे सीधे बात किसकी करता है, ट्रांसमाइग्रेशन की, इमेजिनेशन की, सब्जेक्टिविटी की, इनकी एक्सप्लोरिंग मिस्ट्री, ये सब कुछ होता है वहां पे, करेक्ट बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु सेज गुड, देखो कितना बढ़िया, गुड वोम्स हैव बोर्न बैड सन्स, मतलब जो अच्छे गर्भ हैं, है ना, मदर के पेट हैं, उन्होंने क्या बुरे लोगों को जन्म दिया है, बुरे बच्चों को जन्म दिया है। ये टेम्पेस्ट में कौन कहता है बताओ, हाँ जी बताइए, ये टेम्पेस्ट में कौन कहता है बच्चों, एग्जैक्टली इट इज मिरांडा, बिल्कुल सही है अनम, अरीना, अनम, आरती बहुत जल्दी आंसर देते हैं बच्चे, बहुत अच्छे हो गए हैं अब। मिरांडा ही है वो बच्चों, शी इज द हीरोइन ऑफ दिस, शी इज द प्रोटोगोनिस्ट। तो हीरोइन बेसिकली कौन है? हमारी मिरांडा। और मिरांडा ही इस लाइन को बोलते हैं, गुड वॉर्म्स हैव बोर्न बैड सन्स इन द टेम्पेस्ट। बेसिकली मैं बता दूं, एक तो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है किसकी, एलोंसो के लिए। याद आ रहा है आपको? एलोंसो जो कि ब्रदर है उसका, एलोंसो और वन मोर पर्सन वहां पे, इनके लिए बेसिकली उसने बोला है। करेक्ट बच्चों? हाँ जी, डी आंसर जाएगा। सोनेट्स आर यूजुअली रिटन इन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोनेट बच्चों जो 14 लाइंस की होती है सब बच्चों को पता है, जिसमें से अगर 8-6 हम बनाए तो बच्चों बनती है मिल्टॉनिक सोनेट यानी पेट्रार्कन। और अगर मैं 12+2 बनाऊं यानी कि बाद में कपलेट बनाऊं तो ये इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट है। याद आ गई बच्चों आपको? एग्जैक्टली तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। देखो कितनी सारी चीजें आपने एक पॉइंट में समझ ली हैं, है ना? गुड बच्चों, अंजलि, प्रीति, चांदनी, अनम, प्रीति, वीना, गुड बच्चों, निशी, वेरी गुड। तो बच्चों अगला देखते हैं, इन एंशियंट ग्रीस लिरिक पोएट्री वाज आल्सो नोन एज। मतलब जब एंशियंट ग्रीक की हम बात करते हैं, क्योंकि सारी चीजें वही से हैं, लिरिक पोएट्री को हम और क्या कहते हैं? पिंडेरिक पोएट्री, सैफिक पोएट्री, हेलेनिस्टिक पोएट्री और मैलिक पोएट्री। हाँ जी, 5 out of 10 चले हुए, बिल्कुल सही अनिरुद्ध। सोना सी कह रहे हैं हेलेनिस्टिक पोएट्री। ओके, और बताइए, सब बच्चे बताएंगे, सब बच्चे बताएंगे। आंसर क्या जाएगा आपका? आरती ने डी कहा है। ओके ओके, सपना ने की 21। बच्चों देखो ये आंसर जाएगा आपका मैलिक पोएट्री, इट इज मैलिक पोएट्री। बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं, यानी कि लिरिक पोएट्री का मीन्स है वन पर्सन वहां पे गए, वन पर्सन इस चीज को सुनाता है, वही लिरिक पोएट्री में आ जाती है। वन पर्सन अपनी लिरिक, एक तरह से अगर मैं कह दूं लाइक मोनोलॉग की तरह से, लिरिक पोएट्री है तो मैलिक में आएगी। हेलेनिस्टिक पोएट्री भी वहीं पे है बट वो एक के थ्रू नहीं है, है ना? और हेलेनिस्टिक पोएट्री किससे जुड़ी है बच्चों? जॉन कीट्स से। जॉन कीट्स, क्योंकि वो ग्रीक को भयंकर रूप में लिखते थे, भयंकर रूप में पढ़ते थे और भयंकर रूप में इसको लिखते थे, तो हेलेनिस्टिक पोएट्री। इसी वजह से शैली, पता है क्या कहते थे इनको? शैली कहते थे कि कीट्स वाज अ ग्रीक, कीट्स वाज अ ग्रीक। सब बच्चों ने पढ़ा भी होगा, खूब आता है एग्जाम में। तो कीट्स वाज अ ग्रीक किसने कहा? शैली ने। क्यों? क्योंकि ये हेलेनिस्टिक पोएट्री को लिखते थे और एंशिएंट ग्रीस वाली चीजों को उन्होंने लिया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है जी, ओमना बहुत अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म? जी बताइए बच्चों। उमना मैं आपको बता दूं, मैं भूल जाता हूं, आपका बेटा बैच है वो, वहां पे एडमिशन हो सकता है आपका करियर बिल पे, तो आप उसको चेक कर लेंगे एक बार। मैंने अभी अभी पता किया था, वो बैच में एडमिशन चल रहे हैं अभी। जूली ने सी आंसर दिया है। ओके, देखो क्या लिखा है, इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, बायोग्राफी, लिटरेचर, डिफेंस, लिरिकल बैलेट्स। ये बिल्कुल सही आंसर दे दें सब बच्चे, ये करेक्ट आंसर है आपका। लिरिकल बैलेट्स बनेगा बच्चों, लिरिकल बैलेट्स वुड बी देयर, है ना? तो मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म इज लिरिकल बैलेट्स। डन बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करेक्ट बात है। अगले क्वेश्चन पे आते 23। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी थी। तो देखो नोट जहां पे आ जाए उसको अलग से हाईलाइट कर देंगे, वरना माइंड गलती कर देगा बच्चों। इस ऐसे ऐसे पॉइंट जो मैं बताता हूं ना, उनमें कुछ दम है, क्योंकि इससे गलतियां की हैं, खुद मैंने भी की हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। डी आंसर, लव्स फिलोसफी। तो फिर बच्चों आपके मन में आ रहा होगा, हम तो ये भी बताएंगे कि किसने लिखी थी, तो आप खुद ही बता दो। एग्जैक्टली अनिरुद्ध, वेरी गुड। पीबी शैली, ये बच्चों शैली की है, इट वाज रिटन बाय पीबी शैली, लव्स फिलोसफी, करेक्ट बच्चों। अगले पे आते हैं, पायरिक मीटर इन्वॉल्व्स। बताओ बच्चों पायरिक मीटर में क्या होता है? पायरिक मीटर इन्वॉल्व्स, ये किसको इन्वॉल्व करता है आपको बताना है। तो आंसर अगर इसका देखें बच्चों, पायरिक मीटर में क्या होता है? ए, टू अनस्ट्रेस सिलेबल्स। अगर आपको याद हो पीछे जब हमने टर्म्स की थी तो उसमें हमने कहीं ना कहीं इसको किया हुआ है ना? जैसे हम बच्चों देखें यहां पे, जैसे मैं कह दूं एंड ऑल, एंड ऑल, तो देखो एंड ऑल दोनों ही अनस्ट्रेस्ड हैं, है ना? या मैं कह दूं बच्चों आपको फेमस, फेमस, तो फेमस दोनों ही अनस्ट्रेस्ड हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? पायरिक के। हाँ जी बच्चों, ए जाएगा आंसर। अ क्लासिक ओड इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 मेजर पार्ट। देखो क्लासिक का मीन्स यहाँ पे किससे बच्चों? पिंडेरिक ओड से। किससे है? पिंडेरिक ओड से। दैट वाज रिटन इन द स्टाइल ऑफ पिंडार, पिंडार के स्टाइल में लिखी गई थी। तो बताओ बच्चों इसमें से क्या आएगा, क्या आंसर करेंगे? रीना, हिना, ओके ठीक है, प्रज्ञा डी कह रहे हैं। देखो बच्चों इसमें एक छोटी सी बात क्या बड़ी की गई है कि डी आंसर दिया गया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड, इनकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर भी यही है लेकिन एंटी स्ट्रोप पहले, फिर स्ट्रोप, फिर इपोड, गलत हो गया, है ना? तो आपको क्या ध्यान रखना है, दिस वन, स्टॉप, एंटी स्टॉप, इपोड। राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं स्टॉप गाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं एंटी स्टॉप होता है, और बच्चों जब गोल घेरे में आके गाते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इपोड देते हैं। यही पिंडारी कोड के 3 पार्ट्स हैं, राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन, हु इज ट्रिंकुलो, वेरी नाइस क्वेश्चन। ट्रिंकुलो इन द प्ले ऑफ टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में बच्चों ट्रिंकुलो कौन है, किंग्स का बटलर है, किंग्स का जेस्टर है, स्लेव है, या बच्चों किंग्स का सून है। ये सून क्या लिख दिया, ये तो ज्यादा ही भयंकर लिखा है। हाँ जी बच्चों बताइए क्या आंसर, सी या बी, बताइए सी बनेगा, बी बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, या डी बनेगा या ए बनेगा। हाँ जी बताइए आंसर। अगर आप ध्यान, हाँ अब ज्यादातर बच्चे सही दे रहे हैं आंसर। वानी बिल्कुल ठीक है, प्रीति, प्रज्ञा, रीना, सीमा, ऑल राइट बच्चों। इट इज किंग्स जेस्टर, वो बच्चों किंग का जेस्टर है। समझ में आ गई बात। टेम्पेस्ट में अगर आप देखेंगे तो किंग का जेस्टर है। क्या नाम है इसका, ट्रिंकुलो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट का मतलब बच्चों क्या हो गया, आपको सिनोनिम देखना है। देखो कितना बढ़िया वर्ड है। अब देखो चाहे आपको पता हो या ना पता हो आंसर करना है, क्योंकि आप एनालाइज भी करते हैं वर्ड्स को। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक। पॉलिटिकल एंड विट्रोलिक, तो विट्रोलिक का मीन्स क्या है, यहाँ पे इस वर्ड का पूछा है। इमेजिनेटिव, स्प्रिंग, स्प्राइटली, विवेशियस, एब्यूसिव। 27 का 3, ओके ठीक है। और एक बात और देखेंगे, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, सब बच्चों को अपने आप आंसर को मतलब चेक करना शुरू करो। विट्रोलिक क्या बनेगा, मोहित ए कह रहे हैं, ओके ठीक है, ओके ओके, वीना सी, प्रीति सी। देखो बच्चों विट्रोलिक का मीन्स अगर आप देखेंगे, अच्छा ये बताओ विट्रोलिक का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्रोलिक। हाँ जी विट्रोलिक का मीन्स बच्चों होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर आप विट्रोलिक का देखेंगे तो बच्चों कहीं ना कहीं ये मॉकिंग होता है, मॉकिंग, या मैं कह दूं आपको डिसडेनिंग होता है, डिसडेनिंग, यानी एक तरह से व्यंगपूर्ण है, व्यंगपूर्ण। तो व्यंगपूर्ण का अगर आप सिनोनिम देखेंगे, इमेजिनेटिव, स्प्राइटली, विवेशियस कोई सा नहीं है, बल्कि कौन सा जाता है, एब्यूसिव जाता है। अच्छा ओके, पता नहीं है लेकिन सब बच्चों ने आंसर कर दिया है ना। आप ये देखो मैंने इसको कैसे जोड़ लिया कि पॉलिटिकल है तो वो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेगा, पॉलिटिकल वाला एब्यूसिव, क्योंकि नेता वेता जो होते हैं विट्रोलिक का मतलब है वो एब्यूसिव बनेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा तुक्का लगाया, ओके ठीक है ही ना, इट्स ऑल राइट। तो डी बच्चों आंसर बनेगा आपके, एब्यूसिव। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट देखना है आपको बच्चों। अब इसको तो समझ सकते हैं, स्लेंडरस का मीनिंग पूछा है उसने, एब्यूसिव है, प्रेजवर्दी है, मॉडरेट है, या बच्चों आपका नेक्स्ट आता है। बताइए क्या बनेगा, व्हाट शुड बी द आंसर हियर। इंस्पायरिंग, मॉडरेट, क्या होना चाहिए, सार्कास्टिक वे, बिल्कुल ठीक है चांदनी, सार्कास्टिक वे बनेगा, वेरी गुड। अगर मैं ध्यान से बताऊं देखो बच्चों, स्लेंडर जो होता है, स्लेंडर, अगर आपका कोई स्लेंडर लेके भाग जाए और वापस ना करे तो आप उसकी निंदा करोगे या नहीं करोगे, आप बिल्कुल निंदा करते हो। स्लेंडरस निंदा फुल होता है, तो इसी को फिर से बना देंगे एब्यूसिव, है ना, आंसर इसका ए बन जाएगा। स्लेंडरस होता है निंदा लायक या निंदा के काबिल, और यही क्या बन जाएगा, एब्यूसिव। डन बच्चों, तो आंसर आपका ए जाएगा, क्योंकि हम नियरेस्ट इन मीनिंग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। मतलब जनरल कंसेंट ये कहती है कि पहला है, तो बताओ रोमियो एंड जूलियट, हेनरी सिक्स, टू जेंटलमैन ऑफ वेराना, या फिर लव्स लेबर लॉस्ट। हाँ जी बच्चों बताइए आंसर क्या जाएगा आपका, व्हाट शुड बी द आंसर। रीना ने ए कहा है, ओके ओके ओके। ये कैसे रेडी होंगे बेटा, इनको तैयार ही करना पड़ेगा एकता, दैट इज द ओनली वे। हाँ जी बच्चों, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये आंसर जो जाएगा ये बी जाएगा बच्चों, बी। विमल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बी आंसर। हेनरी सिक्स 3 पार्ट में लिखा था बच्चों, मजेदार बात है 3 पार्ट्स में, जबकि हेनरी फिफ्थ जो कि जिसको मैन ऑफ एक्शन इन्होंने कहा है, इस पे सिर्फ एक लिखा था। हेनरी फोर्थ जो कि कोई खास नहीं था, इस पे 2 लिखे थे, पार्ट 1 पार्ट 2। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, इस पे पार्ट 1 पार्ट 2। हेनरी फिफ्थ जो मैन ऑफ एक्शन था जबरदस्त था 1, और ये जो हेनरी 6 है ये सबसे बेकार था, इस पे तीन पार्ट लेंगे, पार्ट वन, पार्ट सेकंड, पार्ट। तो यही समझा जाता है दैट वाज द वेरी फर्स्ट रिटन बाय हिम जनरल कंसेंट से। आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन जाएगा आपका, व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट? फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, फर्स्ट प्ले का मतलब यहां पे किससे दे दिया है इसने? ओके ओके, बताइए बच्चों इसका अगर क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लो इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या होना चाहिए, डी ओवर एम्बिशन। हाँ, डी आंसर है, बिल्कुल ठीक है ये बच्चों, ओवर एम्बिशन जाएगा। ओवर एम्बिशन वाज द ट्रेजिक फ्लो इन द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। ठीक है जी बच्चों, हाँ, करेक्ट बात है। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना करेंगे। थोड़ा सा क्लास लेट हो गई थी बट फिर भी हमने कोशिश की, 30 क्वेश्चंस आज कर लिए। कल फिर मिलते हैं, है ना। ये बारिश की वजह से थोड़ा बहुत नेटवर्क में आ जाती है प्रॉब्लम, बट नो प्रॉब्लम, हम बच्चों वर्क करते रहेंगे। तो इसको लाइक करें बच्चों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर अर्ली इन द मॉर्निंग 8:15 फॉर द वोकैबुलरी एंड इन द इवनिंग 7 o'clock फॉर द क्वेश्चन ऑन लिटरेचर। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम जी। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बच्चों। कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग एवरी डे, है ना, बिकॉज यू विल हैव टू विन। आपको जीतना है, ये ध्यान रखना। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, अच्छा प्रीति कराएंगे बेटा, जरूर कराएंगे। हाँ 150 ओके, ठीक है रीना। तो सब बच्चे ध्यान रखें, आपको जीतना है, इसी बात को लेके चलना है। ओके बच्चों, ओके बाय, ठीक है सीमा, ऑल राइट, बाय बच्चों एवरीवन, थैंक यू।